अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आप लोग कैसे हो? और आप लोग के लिए मैं आज आया हूँ, और मैं आप लोग को एक और ये बात बताने वाला हूँ कि मैं आज जा रहा हूँ कराची इज्तिमा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सालों के बाद, मतलब कि साल साल के बाद एक दिन आता है, मतलब 4 दिन जिसमें होता है कि हम जा सकते कराची इज्तिमा। तो यार मैं बहुत इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मुझे जाना है जाना है जाना है। तो फाइनली वो दिन आज आ चुका है, तो मैं आज जा रहा हूँ कराची इज्तिमा। तो आज मेरा फर्स्ट डे होने वाला है, कल दूसरा दिन हो, मतलब आज तो स्टे करूँगा मैं इंशाल्लाह। अभी हम निकलने वाले 1 घंटे के अंदर अंदर। तो भाई व्लॉग आज का यही है, और मैं 3 दिन का इंशाल्लाह व्लॉग बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों को बोलूँगा यार, अगर आज आज का व्लॉग आप लोग देख रहे हो तो आप लोग आ जाना कल के दिन। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी आ जाओ, कुछ नहीं कुछ ना सही कुछ होना बेहतर है। आप लोग आओ, आप लोग इंशाल्लाह आप लोग शरीक हो गए तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मज़े से मुराद ये है कि अल्लाह के रास्ते में चलोगे। देखो दुनिया चलती रहेगी, आखिरत की भी कुछ कुछ तैयारी हमने करनी है, तो जितना हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक है ना, तो वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू कराची इज्तिमा ब्लॉग। मेरी किस्मत जगाने को चलो भाई, फाइनली मैं निकल गया हूँ। फाइनली हम लोग जो नहीं है रेडी रेडी होके हम बाहर आ गए हैं, और मेरी अपनी हायाबुसा पे मैंने जो नहीं ब्रेक ब्रेक लगवाने दिया हुआ है, और रेहान भाई साथ जा रहे हैं भाई। ठीक है, हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं इस बार हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, और बस, और यह रेहान भाई, अब क्या नाम है, हयान भाई की बाइक में लेकर आया हुआ था, रेहान भाई की हायाबुसा, हायाबुसा ये इनकी हायाबुसा है। तो और हम लोग निकल रहे, लेट्स लेट्स गो। ओए मां की आंख 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 आंख, देखो गाली से बच रास्ता खोल। फाइनली हयान भी आ गया, रेहान भी आ गया, और हम भी आ गया, और अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये है हमारी हायाबुसा, जिसमें से पिछली ब्रेक है, अगली ब्रेक है नहीं, क्या एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया था ये, और इसी में जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये तो भाई अब हम निकल रहे, तो लेट्स स्टार्ट। लज्जत का फजीलत का मन है, अल्लाह से लेने का मगफिरत का मन। फाइनली हम लोग तो एंटर हो गए हैं, और बाइक हमने यहाँ पार कर लिया है। वो मेंबर है और वहाँ पहाड़ है, तो अभी तो हम एंटर हुए, हम जो नहीं है बाद में करेंगे, अभी हम जो नहीं है अपने पहले हल्के पे चले जाएं। ठीक है, और माशाल्लाह से बयान हो रही है यहाँ पर, और मज़ा आ रहा है, तो अब चलो देखते हैं। भाई बयान तो चल रहे हैं, और चलने के साथ साथ जो हमारे साथ जो चल रहा है ना, वो चल रहा है चांद, खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। क्यों भाई, जो बात सकून मिल रहा है, वैसे रेहान भाई तो बोल रहे हैं मैं ऐसा ना हो, मैं इनको जेब में ना ले जाऊं डाल के, इतना अच्छे लग रहे हैं। पर आपका क्या ख्याल है? कुछ नहीं कुछ नहीं, नया है नया होता है, चलेगा ऐसे ही होता है। ये है सारे कैंटीन वगैरह खाने पीने की जगह यहाँ पर है, कि जब भूख लगे तो यहाँ पर आके हम खा सकते हैं, जब ज्यादा एक्स्ट्रा खाना खत्म होने के बाद। अल्लाह के हर गैर का यकीन दिल से निकाल, कोई कुछ नहीं कर सकता कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई हाकिम अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ नहीं, और अल्लाह ताला सबके बगैर सब कुछ कर सकते। इस यकीन की जितनी ज्यादा दावत देंगे, जितनी ज्यादा दावत देंगे, उतने मेरे दिल से अल्लाह की हर गैर का यकीन निकलेगा, और अल्लाह ताला की रास्ते आने का यकीन दिल जाए। दावत हर साथी हमारा इन सारी दावत, अब यहाँ इज्तम में आप तशरीफ लाए हुए हैं, इज्तम ये दिनों में भी और इसके बाद भी हमने इन सारी दावत, उसके जिम्मे अल्लाह ने ये मेहनत लगा कि दावत वाली मेहनत अल्लाह ने तुम्हत के जिम्मे लगा। हर मुसलमान हर कलमा को दावत वाली मेहनत करने वाला पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए फाइनली हम पहुंच गए थे, बयान चल रहा था, बयान की वजह से हमने जो नहीं है ज्यादा हमने वीडियो नहीं बनाई थी, तो बयान एहतराम करना चाहता था। ईशा का टाइम हो गया है, तो हम वजू करके अब जा रहे हैं, और फाइनली हमें हमारा हल्का मिल गया था, तो
और मेरे कजन भी मिल गए और ये पीछे, ठीक है। पापा वजू कर गया ईशा की नमाज पढ़ने। वे फाइनली हम जो नहीं अभी नमाज वमाज पढ़ ली ईशा की, और जो भी हम अपने कजन के पास जा रहे हैं। और रिजान भाई खाना तो बहुत था, टाइड ऑसम कोरमा था, बस सेट है। रेटिंग तो कैसा, मुझे तो अच्छा लगा है भाई। बनाया इसने हाँ तो भाई मैंने बनाया, तुमने तुम रेटिंग तो मैं रेटिंग कैसा लगे भाई, मैं मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा। ये बात कह गया था, मक्खन टाइप का था, मक्खन टाइप का, मलाई मक्खन मलाई टाइप का बोलो मेरा। तो भाई अभी लेट्स सी, अभी जो नहीं है ब्लॉग है ना, हम ये एंड करेंगे, ठीक है ना। तो हम मिलेंगे, चाय भी है खैर, अभी तो हम हल्के में आ गए। और रियान भाई आपने कुछ कहना है, आपको कैसे फील हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो सुकून मिल रहा है, जो बात बहुत अच्छा लग रहा है। और आप? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। तीन दिन के लिए माऊ ने इजाजत नहीं दी, मैं तो आगे बैग उठा के मैंने तीन दिन के लिए। मामी ने बोला जाओ जाओ जाओ, अच्छी बात है, दीनी तबलीग में निकलो भाई, जाओ बस। मैं तीन दिन के लिए दीन फैला इंशाल्लाह भाई, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। मैं इसको अभी अपलोड करूंगा, देख के फौरी तौर पे यार आ जाओ आप लोग भी, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, आ जाओ जल्दी से। और मिलते हैं फिर पहाड़ी पे, अभी मैं नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।